आमिर खान इन दिनों अपनी रिलीज हुई फिल्म दंगल का सक्सेस देखकर काफी खुश हैं। इस फिल्म के बाद आमिर सुपरस्टार में नजर आएंगे, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है। इसके बाद ठग्स ऑफ द हिंदुस्तान में नजर आएंगे और इस फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन होंगे तो दूसरे सुपरस्टार आमिर खान। ऐसे में इन बेहतरीन कलाकारों को पर्दे पर देखना वाकई मजेदार होगा। इस फिल्म की हीरोइन को लेकर समय समय पर खबरें आती रही हैं, लेकिन अब जो नाम आ रहा है वो फाइनल हो गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल मार्च में शुरू होगी। यशराज बैनर तले बन रही ठग्स ऑफ द हिंदुस्तान की हीरोइन कृति सैनन हैं। कृति इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले में वरुण धवन के साथ और हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के साथ काम कर चुकी हैं। ठग्स ऑफ द हिंदुस्तान में आमिर और अमिताभ बच्चन के बाद हीरोइन के लिए सबसे पहले आलिया भट्ट का नाम सामने आया था। आलिया को फिल्म में लेने के नाम पर आमिर खान और फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा के बीच तनातनी भी हुई थी। आमिर चाहते थे कि फिल्म में आलिया भट्ट को ही लिया जाए, जबकि आदित्य बेफिक्रे की हीरोइन वाणी कपूर को लेने का मन बना चुके थे। बाद में खबर आई कि आलिया के पास डेट्स की कमी थी, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई और वाणी के नाम पर उनकी हालिया रिलीज बेफिक्रे की असफलता से विराम लग गया। अब वाणी ने खुद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अपनी कास्टिंग की बातों को अफवाह बताया है। फिल्म की हीरोइन के नाम को लेकर अब तक खुले रूप से यशराज फिल्म्स की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि कृति का नाम फाइनल हो गया है।